असलम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप कि सब लोग ठीक होंगे तो आज का मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है मैंने अपनी बर्थडे पर ये मेकअप लुक क्रिएट किया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं मैंने अपनी बर्थडे पर एक रैंडम व्लॉग भी बनाया है जो कि मेरे दूसरे चैनल पर है आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा एंड मेक श्योर आपने मेरा वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने बेस ऑलरेडी बीबी क्रीम से बनाई हुई है बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनाई क्योंकि गर्मी बहुत इंतहा की है तो हैवी बेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं अपनी बेस को सॉरी अपनी बीबी -बी क्रीम को सेट कर रही हूँ फिटमी के कॉम्पैक्ट पाउडर से उसके बाद मैं हल्का सा ब्राउन्स कर रही हूँ बहुत ज़्यादा शार्प कंट्रोल नहीं करूँगी मैं बहुत जल्दी में थी इस वक्त क्योंकि जाना था और लेट हो रहे थे तो हस्बैंड पीछे से यू नो जल्दी कर लो जल्दी कर लो तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फोकले का ये बहुत ही प्यारा पेस्टल ऑरेंज कलर का ब्लश ऑन मैंने रिसेंटली एक दूसरा चैनल बनाया है लाइफ इज जोई उस पर मैं अपनी यानी कि लाइफ रूटीन अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर करूँगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लाइफ इज जोई लेकर आपको मेरी पिक्चर नज़र आ जाएगी तो आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और उसके बाद मैं यहाँ पर हाईलाइटर यूज कर रही हूँ एल्फ का और शेडिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का रोज गोल्ड नहीं आई थिंक अभी इस वक्त फ़िलहाल याद नहीं है मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले पैलेट का नाम मेंशन कर दूंगी इसमें जो डार्क ब्राउन कलर है इससे मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल किया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जल्दी में थी तो एक ही पैलेट से मैंने सारा काम कर लिया उसके बाद ये वाला कलर मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ जल्दी में थी तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं नहीं कर सकती थी तो सिर्फ दो शेड मैंने आज के इस लुक में यूज़ किए हैं ये वाला ट्रांजिशन शेड और दूसरा जो मेरा आईलेट पे मैं यूज़ करूँगी गोल्डन वाला शिमरी सा शेड है तो वो भी आप लोग अभी आगे देखेंगे ये वाला ये वाला शेड मैंने अपनी आईलेट पर यूज़ किया था उसके बाद आज मैं कुछ मेकअप रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ फटाफट शेयर करती चलूँ एस टी लंडन की मैंने कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी बाई की थी और कुछ चीज़ें मैंने स्टोर से जाकर बाई की थी तो ये दो हैं जी इनके काजल वाइट और ब्लैक तो इनकी मैंने बहुत जी तारीफ सुनी है और अच्छे भी हैं बहुत ज़्यादा इनकी एप्लीकेशन स्मूथ है बट ये जो वाइट वाला है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बिल्कुल भी नहीं है मतलब मैं अभी घर पे ही थी अभी बाहर निकली भी नहीं उससे पहले ही ये मेरी आंखों से गायब हो गया था और ब्लैक वाला जो है उसको मैंने अपना एज अ लाइनर यूज़ किया था आज और उसको फिर मैंने स्मच कर लिया था वो अपनी जगह से नहीं हिला लेकिन आँखों के ऊपर लगाना और आँखों के अंदर लगाने में फ़र्क है तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं उसको आंखों के अंदर लगा के फिर इसका भी प्रॉपर आपको रिव्यू दूंगी आंखों के ऊपर एज ए लाइनर तो ये कमाल कर रहा है उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो है जी एस टी लंडन का मस्कारा जो कि बहुत अच्छा है जो चीज़ अच्छी है उसे मैं अच्छा ही कहूँगी जो नहीं है सो नहीं है तो इसका वाइट वाला जो लाइनर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया मस्कारा काफ़ी अच्छा था इसका जो एप्लीकेटर है वो भी काफ़ी अच्छा है आगे से स्मार्ट है सेंटर से थोड़ा सा बड़ा है यानी कि आप ऊपर वाली रैश के लिए सेंटर वाला पार्ट और नीचे वाली रैशेज़ के लिए फ़्रंट वाला इसका पार्ट यूज़ करोगे और ये है जी इसका रिज़ल्ट आई नो मेरी जो रैशेज़ हैं बहुत चुनी चुनी है बट अच्छा लग रहा था काफ़ी और उसके बाद मैं अपने लिप्स को लाइन कर लूँगी लिप्स को लाइन करने के लिए मैं यह, मैंने यहाँ पर क्रिस्टीन की लिप लाइनर क्रिस्टीन का लिप लाइनर यूज़ किया था और उसको मैंने फिर फिल किया था एसटी लंदन के ही आ, लिप कलर से जो कि है <coughs> चॉकलेट स्टेन एक्चुअली मैंने स्कैंडल मेकर ऑर्डर किया था बट उन्होंने गलती से ये भेज दिया बट मुझे ये बहुत पसंद आया मतलब जितना मैं स्कैंडल मेकर के पीछे भाग रही थी उससे ज़्यादा ये मुझे अच्छा लगा है उसके बाद मैंने कुछ अपने फेवरेट प्रोडक्ट को री स्टॉक किया है जो कि है एसटी लंडन की लेशियस कार्लेट और इसको मैं एस टी लंडन की ही जो लेशेज़ ग्लू है उससे लगाऊंगी बहुत ही फिट किस्म की ग्लू है मतलब मेरी तरफ से फुली रेकमेंडेड है उसके बाद मैं अपने आई कॉर्नर्स के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का लिक्विड लाइनर वन ऑफ माय फेवरेट मेरा गो टू लाइनर है मतलब सबसे ईजी मुझे यही लगता है मैं फटाफट निकालती हूँ और लगा लेती हूँ और मेकअप सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ए के का फिक्सिंग स्प्रे क्योंकि गर्मी इतनी है सब कुछ पिघल जाना है तो इसके बाद जब हम गए थे सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो मस्ट वॉच माय व्लॉग तो उसके लिए जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में फिर से कह रही हूँ लगा दूंगी तो ये है मेरी फाइनल लुक आई होप कि आज का जल्दी जल्दी का मेकअप आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट आप सबसे पहले मिल सके अल्लाह हाफिज़